अप्रैल की रात में मेरे चाचा के लड़के और उसके मित्र पर पांडे परिवार के द्वारा हमला किया गया था। उसकी रिपोर्ट डालने मेरी बहन जा रही थी मोनाली पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट देने, तो उसकी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं ली गई और उससे बदतमीजी करके उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया। वहाँ पर उसका मोबाइल लेने के लिए दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे के लगभग चाचा के मोबाइल पर फ़ोन आया कि मोनाली को मोबाइल लेने के लिए भेजो। तो वो रात की घटना से इस तरह के से घबराई हुई थी कि उसने मुझसे कहा कि भैया आप चलो पुलिस स्टेशन पे। तो मैं उसके साथ में गया। वहाँ पहुँचते ही ड्यूटी ऑफिसर रूम से हमें PI नगराड़े साहब के केबिन में जाने के लिए कहा गया। वहाँ पर जाते ही PI नगराड़े साहब मेरे ऊपर इस तरीके से भड़क गए कि साले तू बहुत RTI डालता है, तेरी RTI की मस्ती निकालता हूँ मैं अभी, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और अपने स्टाफ से कहकर बाजीराव पट्टा मंगवाया और मुझे कम से कम 20 से 25 पट्टे मारे गए, जिसकी फ़ोटो ये है। उसके बाद में फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लिया, उसके बाद में और कहाँ कहाँ आकर मेरे नापी? इसमें ऐसा है कि हमको 3rd डिग्री दी गई है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, और हमारी कोई इतनी बड़ी गुनहगारी नहीं थी कि हमें 3rd डिग्री की सज़ा दी जाएगी, पर हमें 3rd डिग्री दी गई है। और वहाँ पर बदतमीजी से बहुत अश्लील गालियों से मुझसे बात की गई थी किशोर नगराड़े साहब के द्वारा, और तुषार तिड़के नाम है वो सर का, उन्होंने उन किशोर तुषार तिड़के और सतीश मोहाड़े उन्होंने मुझ पर हाथ उठाए थे, और बहुत ये कहा गया था कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाएगा और अगर इसकी जानकारी बाहर जाती है तो। अभी सिचुएशन ये है कि मेरे मुझ पे ख़तरा है, पर फिर भी मैं अपनी FIR देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे FIR अपनी देना है किशोर सर के अगेंस्ट में, क्योंकि पांडे ग्रुप की अति इतनी बढ़ चुकी है कि वो लोग उसका उनका वो सब पैसे वैसे खा के बैठे और वो उन्हीं के फेवर में बात कर रहे हैं। जैसे मोबाइल रिकॉर्डिंग की बात हुई कि आप वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे और उससे पूरा मामले का सेंटेंस वही है, तो अभी मोबाइल आपके पास है या फिर मोबाइल जब्ती पे है, क्या है? नहीं, मोबाइल मेरा छीन लिया गया था, और मोबाइल मेरा अभी 2-4 मोबाइल हमारे जमा है। आप लोगों के द्वारा वहाँ मोबाइल वगैरह लेने गया गया? हाँ, हम मोबाइल लेने के लिए गए थे, पर हमें वहाँ पर मोबाइल देने से मना कर दिया गया, और हमारे 4 मोबाइल जब्त है वहाँ पर, और भैया की गाड़ी जब्त है हीरो होंडा, और मोबाइल का इवन भैया का जो पासवर्ड है वो उन्हें पता है मोबाइल के पासवर्ड, तो वो हमें डर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल के साथ में, और मोबाइल देने से मना कर दिया उन्होंने डायरेक्ट।